I think so, yeah. This is your last question. I'm Samina, working as lecturer in Jamia Millia Islamia. Already I've listened a lot, and first of all, congratulations for your book. And whatever we have nowadays, the secular country, what we are facing the problems here in our country. So I would like how you will help to come up Muslim young leadership to come up, and as a journalist, how you can help and let us know, start a movement like this. Because all the educated, I think so, the person, they are just backing up because they don't like to come in politics and all, and women, especially the women, Muslim women, how leadership can come up and how you will help to come up, a new leadership to come up in this situation and to make a new India and make a new secular country as we dream of. And as we dream of, let's hope for the best. हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं तस्नीम कौशल। आशुतोष जी, किताब के हवाले से आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। किताब अभी पढ़ी नहीं है, पढ़ूंगी इंशाल्लाह। ये जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट अब जाके जो वाजी हो रहा है, और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जब टिकट मिल गया तो मुझे लगता है कि मुसाद ने अपनी कैंचली उतार दी है। आपने बात की पार्टीशन की, तो कुलदीप नैयर जी ने कहा था कि फसाद पार्टीशन के लिए कराए जाते हैं, उसी तरह से फसाद आज भी पार्टीशन के लिए ही कराए जाते हैं, वो वोटिंग के पार्टीशन के लिए। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आपने ये हिंदू राष्ट्र के फलसफे पे काम किया होगा, आपने रिसर्च भी काफ़ी की होगी और काफ़ी लोगों से मिले होंगे, तो क्या कभी आपने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से जो कुरान पढ़ता है और यहूद व नसारा की बात जानता है, क्या आपने उनसे कोई बात की? आपने कहा मुस्लिम लीडरशिप के बारे में, तो मैं तो तैयार कर नहीं सकता। वो तो समाज को अपने अंदर से ही वो लीडरशिप पैदा करनी पड़ेगी, और ये मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है कि आज़ादी के बाद से अपने अंदर कोई ऑल इंडिया लीडर नहीं पैदा कर पाया, और ये बहुत बड़ी दिक्कत। लेकिन मैंने अपनी किताब के दौरान जब मैंने रिसर्च किया है, तो मुझे जो संकेत मिले वो बहुत स्पष्ट हैं कि एक एडुकेटेड मिडिल क्लास यंग लड़के जो हैं, मुस्लिम लड़के हैं, वो अब सोचने लगे हैं। और मेरा अपना ये मानना यह है कि ये जो क्लर्गी हैं, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो कोई भी हो, या हिंदुओं के अंदर भी जो ये भगवा पहन के लोग त्रिपुंड लगा के आते हैं, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप राजनीति में दखल ना दें, आप राजनीति को नागरिकों के ऊपर छोड़ दें। हमको आपके चंदन लगाने से कोई दिक्कत नहीं। मैं भी चंदन लगाता हूँ, मैं भी त्रिपुण लगाता हूँ, मैं भी टीका लगाता हूँ, मैं भी मंदिर में जाता हूँ, मैं भी प्रसाद देता हूँ, मैं भी चरणामृत खाता हूँ। आप मुझे राजनीति मत सिखाइए। राजनीति तो अपने हिसाब से चलने दीजिए, रूल ऑफ लॉ इस देश के अंदर चलने दीजिए। यही हाल मुझे लगता है कि ये जो सो कॉल्ड जो मौलाना लोग हो गए हैं, उनसे जो राजनीति में दखल देते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान, उनको रिजेक्ट करने की जरूरत है। जब तक आप उनको रिजेक्ट नहीं करेंगे, तब तक उनकी दुकान चलती रहेगी। उनको रिजेक्ट कर दीजिए। दो चीजों पे फोकस करना चाहिए पूरी सोसाइटी को। एक, एजुकेशन कैसे बेहतर से बेहतर, मॉडर्न एजुकेशन। जितना दुनिया के अंदर मुल्कों ने तरक्की की है, उन्होंने अपने एजुकेशन को बहुत महत्व दिया है। और मैं छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि चीन में कम्युनिज्म था। माओ की मृत्यु के बाद वहां पे जब डेंग ज़ियाओपिंग नए लीडर बने, जब उन्होंने वो वहां के प्रीमियर बने, तो आपको जान के हैरानी होगी कि उन्होंने दो डिपार्टमेंट अपने पास लिए। दो डिपार्टमेंट। हिंदुस्तान का मैं शर्त लगा सकता हूं, हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री वो डिपार्टमेंट नहीं लेगा। मैं शर्त लगा सकता हूं। उन्होंने दो डिपार्टमेंट लिए जो सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च लीडर थे, सुप्रीम लीडर थे, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा जब तक चाइनीज अपनी शिक्षा में पश्चिमी देशों के बराबर तरक्की नहीं करेंगे, तब तक चाइना का तरक्की नहीं हो सकती। उन्होंने कहा अगर मुल्क को आगे बढ़ना है, तो एजुकेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी और साइंस भी हमको करना पड़ेगा। हमारे यहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई डिपार्टमेंट लेता है तो सबसे कमजोर नेता होता है, जिसको कुछ ना कुछ देना होता है उसको दे देते हैं। और एजुकेशन के नाम पे तो आप देख ही नहीं क्या हो रहा।
इतनी दुकानें चल रही हैं प्राइवेट की, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपका बच्चा अच्छा पढ़ ही नहीं सकता। चाइना ने तरक्की इसलिए की क्योंकि वहां पे ऐसी विजनरी लीडरशिप थी जिसने एजुकेशन के महत्व को समझा और जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपनाया और थोक के भाव में, थोक के हजारों चाइनीज स्टूडेंट्स को बोला कि आप जाइए हार्वर्ड में पढ़िए, स्टैनफर्ड में पढ़िए, ऑक्सफर्ड में पढ़िए, कैम्ब्रिज में पढ़िए और पढ़ के उनको सरकारी खर्चे भेजाकर और आप पढ़ के वापस आइए और अपने मुल्क की सेवा करिए। तो ये एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे ख्याल से हर समाज को करना चाहिए और वही एकमात्र रास्ता है। इकोनॉमिक आप, और जब आप करेंगे तो आपको अच्छी नौकरियों में जगह भी मिलेगी, आपके आपकी सोच आगे आगे बढ़ती है। मैं अगर, मेरे पिताजी गांव में रहने वाले थे, अगर जिंदगी भर गांव में रहते तो मैं भी शायद नहीं कुछ समझ पाता। वो बाहर निकले पढ़ने के लिए, उनको नौकरी मिली, उन्होंने तरक्की की तो उनके परिवार के बच्चों ने भी तरक्की की। तो एजुकेशन की है उसको, और मॉडर्न एजुकेशन, मैं मानता हूं मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए। आपने प्रैक्टिसिंग कुरान, भाई मैंने तो जिन लोगों से बातचीत की मैं मान के चलता था कि वो प्रैक्टिसिंग कुरान वाले ही लोग थे, वो मैंने तो ये नहीं सोचा, उनसे पूछा कि आप कुरान पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, मान के चलता हूँ कि अगर कोई, मैं हिंदू हूँ तो मैं मान के चलिए कि मैंने गीता पढ़ी होगी, मैंने महाभारत पढ़ी होगी, मैंने रामायण पढ़ी होगी। हाँ, उपनिषद शायद नहीं पढ़ा होगा, ये बात अलग, क्योंकि वो संस्कृत में, संस्कृत मेरी भाषा नहीं, लेकिन मैं वेदों के बारे में जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि शंकराचार्य का दर्शन क्या था, मैं जानता हूँ कि माया का सिद्धांत क्या था। और इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत, मैंने आरएसएस के एक मित्र से कहा, मैंने कहा कि आरएसएस को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि वो आपकी विचारधारा के दुश्मन है। लेकिन मैं आपकी तारीफ तब करूंगा जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसा इंटरनेशनली अक्लेम्ड यूनिवर्सिटी दूसरी खड़ी करके दिखा दीजिए, तब तो मानूंगा। मैंने कहा 5 साल आपका शासन हो गया, बताइए किस यूनिवर्सिटी के अंदर शंकराचार्य को पढ़ाया जाता। शंकराचार्य 700वीं शताब्दी में पैदा हुए थे, जो दर्शन उन्होंने दिया, जो उन्होंने थिंग इन इटसेल्फ की, जो उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, 1000 साल के बाद जर्मन फिलोसोफर इमानुअल कांट वही बात करते और हमको लगता है कि इमानुअल कांट दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक, और आज भी हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता और हमारे शंकराचार्य को नहीं पढ़ाया जाता। यह हमारे देश की दिक्कत है। तो क्यों, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि शंकराचार्य को पढ़ाया जाए, रामानुजा को पढ़ाया जाए, वल्लभाचार्य को पढ़ाया जाए, चैतन्य महाप्रभु को पढ़ाया जाए, कबीरदास को पढ़ाया जाए, रहीम दास को पढ़ाए, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी सिर्फ इसमें है कैसे आपस में लड़ाया जाए। आप हिंदुस्तान के एजुकेशन को भारतीय करिए ना, आप अरविंदो को पढ़ाइए, आप विवेकानंद को पढ़ाइए, दयानंद सरस्वती को पढ़ाइए, राममोहन राय को पढ़ाइए, इनकी टेक्स्ट को परमानेंट कर दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि आप जवाहरलाल नेहरू जैसे विश्वविद्यालय को तबाह करना चाहते हैं और उसकी जगह कोई दूसरा विश्वविद्यालय खड़ा करने की हैसियत आपकी नहीं है, क्योंकि आपके पास टैलेंट है ही नहीं। ये दिक्कत है।